नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर NTA नेट GRF का पेपर वन का MCQ प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपका NTA एग्जाम देता है, जो कि आपका 100 मार्क्स होता है क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, और इस आपको करना है टारगेट कि आपको कम से कम 80+ मिला है, तभी आपका जाकर GRF होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यूजीसी नेट पेपर वन, जो कि आपका एग्जाम जो हो रहा है आपका फरवरी और मार्च में 2023 में, उसी के जो है देखते हुए इसको बना रहे क्वेश्चन को, MCQ सेट प्रैक्टिस। ठीक है, और इस आपका लगभग 50 से 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हुज रिपोर्ट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन द राइट टू एजुकेशन इन 1990। तो हुज रिपोर्ट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन द राइट टू एजुकेशन इन 1990। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामा मूर्ति कमेटी। ठीक है, द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑन द राइट टू एजुकेशन वाज रामा मूर्ति कमेटी रिपोर्ट इन 1990। राइट टू एजुकेशन RTE, द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन इन 2009 एंड इनफोर्स्ड इट एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। द राइट टू एजुकेशन सर्व्स द राइट टू एजुकेशन सर्व्स टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज इट्स और हर राइट टू गेट गेट ए क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन। द 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2002 provided right to education as a fundamental right in part 3 of the constitution. The RTE Act, the Right to Education Act, aims to provide primary education to all children aged to 6 to 14 years. ठीक है, तो ये आपका रामा मूर्ति कमेटी था राइट टू एजुकेशन को रिपोर्ट देने के लिए। ठीक है, डैश इज ए फैमिली, तो डैश इज ए फैमिली ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज कॉमनली यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क एंड आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इथरनेट इज ए फैमिली ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज कॉमनली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क लैंड मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क वैन। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो व्हाट आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 एंड 4। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक टेप से फ्लॉपी डिस्क सर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस इंक्लूड सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क सच एज CDs एंड CD-ROM एंड मैग्नेटिक टेप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी विच वे आर द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इंक्लूडेड मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क सच एज CDs एंड CD-ROMs एंड मैग्नेटिक टेप इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी विच वे आर द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस तो CD, DVDs एंड ब्लू रे डिस्क। तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस आपका CD होता है और DVD और ब्लू रे डिस्क होता है। मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होता है, तो आपका मैग्नेटिक टेप होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है और हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो सॉलिड स्टेट डिवाइसेज क्या क्या होता है, तो सॉलिड स्टेट डिवाइसेज USB पेन ड्राइव SD कार्ड माइक्रो SD कार्ड न्यूअर टाइप्स ऑफ हार्ड ड्राइव द सिम द कार्ड दैट गोज इन योर मोबाइल फोन एंड स्मार्ट कार्ड सच एज चिप्स एंड पिन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। ठीक है, तो ये आपका जो है सॉलिड स्टेट डिवाइसेज है। कुछ आपका 4 है, विच ऑफ दिस लैंग्वेज इज यूज फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो विच ऑफ दिस लैंग्वेज इज यूज एज न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फॉरट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, तो विच ऑफ दिस लैंग्वेज इज यूज फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, तो आपका फॉरट्रेन होगा। ठीक है, ऑरिजिनली डेवलप्ड बाई IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन इन द 1950s फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। डिजाइन बाय जॉन बकस एंड डेवलपर इसका था जॉन बकस एंड IBM। ठीक है, वाट इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड स्मार्टफोन एप्लीकेशन। तो वाट इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड स्मार्टफोन एप्लीकेशन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जावा। ठीक है, जावा इज ए जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा वाज ऑरिजिनली डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेट कैफेज कॉलेज लैब्स कॉलेज हॉस्टल रेसिडेंस स्कूल यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग TCR एग्जाम्पल ऑफ विच नेटवर्क। तो आपका ये किस तरह का नेटवर्क यहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकल एरिया नेटवर्क LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर
network that interconnects computers within a limited area, such as residence, a school, laboratory, university campus, or office building. Ethernet and Wi-Fi are two most common technologies in use for local area networks. ठीक है. सेवन आपका in 1997 the Kyoto Protocol. तो in 1997 the Kyoto Protocol was concluded and established. Legally binding obligation for developed countries to reduce their greenhouse gas emission in period of so in 1997 the Kyoto Protocol was concluded and establishment legally binding obligation for developed countries to reduce their greenhouse gas emission in the period. This correct answer option B, 2000 to 2012. ठीक है. It up according to the Montreal Protocol. According to the Montreal Protocol, which gas damages the earth protective ozone layer. ठीक है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो अकॉर्डिंग टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच गैस डैमेजेस द अर्थ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन. द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, साइंड ऑन 16 सितंबर 1987 एंड इफेक्टिव फ्रॉम 4 जनवरी 1989. ठीक है. इन विच नेटवर्क आर बोथ लैंड लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क प्रेजेंट. ठीक है. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. तो इन विच नेटवर्क आर बोथ लैंड एंड लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क प्रेजेंट, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. द यूनिवर्सिटी ऑफ बल्लभी वास एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बल्लभी वास इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी, बुद्धिस्ट. ठीक है. द यूनिवर्सिटी ऑफ बल्लभी वास एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज डिजाइन फॉर इंजीनियर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज डिजाइन फॉर इंजीनियर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ई यंत्रा इनिशिएटिव इज डिजाइन फॉर इंजीनियर. फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस पॉलिटेक्निक स्पॉन्सर्ड बाय MHRD अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT प्रोग्राम. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है. डैश इज ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो डैश इज ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी, ई ग्रंथालय. तो ई ग्रंथालय इज ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय नेशनल काउंसिल नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर. तो डेवलप्ड बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द NIC, तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY इन द इंडियन गवर्नमेंट. इसका फॉर्मेशन हुआ था 1976 में. इसका हेड क्वार्टर था न्यू दिल्ली में. द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976 बाय लेट इन सेसागिरी. ठीक है. एंड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन ऑफ इंडिया एंड लेटर मूव्ड अंडर द प्रेजेंट प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर कमिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976 बाय लेट इन सेसागिरी अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन ऑफ इंडिया and later moved under the then planning commission of india before coming under the ministry of electronics and information technology. Additional secretary led N. Seshagiri was the first to introduce a network system in india in called DICRET. ठीक है. तो additional secretary led N. Seshagiri was the first to introduce a network system in india called NICNET. ठीक है. It is the technology partner of the government of india and has been created for helping the indian government embrace IT in the 90s. That is, and has also helped disseminate e-governance to the masses. National Informatics Center in service include government local area network, government local area network, LANs, video conferencing, National Knowledge Commission, so National Knowledge Network in case email and messaging. ठीक है. तो government local area network, LANs, video conferencing, National Knowledge Network in case and emails and messaging. ठीक है. NIC is noted for being the primary constructor of e-government application. It also manages the National Knowledge Network. NIC maintains the National Portal of India. ठीक है. DICRET, तो National Informatics Center Network is a satellite-based nationwide computer communication network that is a type of wide area network. ठीक है. तो DICRET, National Informatics Center Network is a satellite-based nationwide computer कम्युनिकेशन नेटवर्क. दिस इज अ टाइप ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क वैन. ठीक है. नेक्स्ट आपका द यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी
The UGC InfoNet Digital Library Consortium was formally launched in December 2003 by whom? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी, एपीजे अब्दुल कलाम. द यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम वाज फॉर्मली लॉन्च इन दिसंबर 2003 बाय हूम, तो आपका एपीजे अब्दुल कलाम. क्वेश्चन टू है, विच प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन, तो विच प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी ई कल्पा, ठीक है? तो ई कल्पा जो है स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ द नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, ठीक है? क्वेश्चन थ्री है, विच वाज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द वर्ल्ड, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा. तो नालंदा वाज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द वर्ल्ड. इन 1948-49 द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए, राधा कृष्णन कमिटी. इन 1948-1949 द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर राधा कृष्णन कमिटी, ठीक है? फाइव है, 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन. तो 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द, तो किसके रिकमेंडेशन ये काम किया गया था, ठीक है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है, एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-1966 है, और इसको जो है हेड किया था डी एस कोठारी ने, ठीक है? क्वेश्चन सिक्स है, अंडर विच सेक्शन ऑफ यू जी सी एक्ट, तो अंडर विच सेक्शन ऑफ यू जी सी एक्ट 1956 डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, तो अंडर विच सेक्शन ऑफ यू जी सी एक्ट 1956 डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सेक्शन थ्री, ठीक है? क्वेश्चन आपका सेवन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ यू जी सी एक्ट 1956 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज इंक्लूडेड, तो विच अंडर विच सेक्शन ऑफ यू जी सी एक्ट 1956 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज इंक्लूडेड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 13B, ठीक है? आपका सब सेक्शन बी होगा, सेक्शन 13B, ठीक है? क्वेश्चन होगा एट है, डाटा कम्युनिकेशन, तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट कंट्रीज और द होल वर्ल्ड, तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट कंट्रीज और द होल वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैन एरिया नेटवर्क, ठीक है? तो वाइड वैन एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट कंट्रीज और द होल वर्ल्ड वैन एरिया नेटवर्क, ठीक है? वर्ल्ड एरिया नेटवर्क. क्वेश्चन आपका नाइन है, डैश लिमिटेड मेनली बाई एग्रीकल्चर वेस्ट, तो डैश लिमिटेड मेनली बाई एग्रीकल्चर वेस्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अमोनिया लिमिटेड मेनली बाई एग्रीकल्चर वेस्ट. विच ग्रीन हाउस गैसेज, तो विच ग्रीन हाउस गैसेज डिस्क्राइब एज द लीडिंग पोल्यूटेंट एंड द वर्स्ट क्लाइमेट पोल्यूटेंट, ठीक है? तो विच ग्रीन हाउस गैसेज डिस्क्राइब एज द लीडिंग पोल्यूटेंट एंड द वर्स्ट क्लाइमेट पोल्यूटेंट, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है? CO2 आर इमिटेड एनुअली बाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है? विच इज प्रोड्यूस्ड, तो विच इज प्रोड्यूस्ड बाई वोल्केनोस एंड वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो विच इज प्रोड्यूस्ड बाई वोल्केनोस एंड वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2. अबाउट 99% ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर कम्स फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेज एंड कोल एंड पेट्रोलियम ऑफ्टन कंटेन सल्फर कंपाउंड एंड देयर कंबस्शन जनरेट सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? वे बारह आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इनिशिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाई 2023, तो विच स्टेट गवर्नमेंट विल इनिशिएट द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट 2023, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, ठीक है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ओमकारेश्वर, तो ओमकारेश्वर डैम नर्मदा रिवर एंड विल बी ऑपरेशनल बाई 2023 एंड इट वुड बी 600 मेगावाट प्लांट, ठीक है? 13 आपका, टू कम्युनिकेट विद द ईमेल, टू कम्युनिकेट विद द मेल सर्वर द मेल रीडर यूजेस स्पेशल लैंग्वेज कॉल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल. टू कम्युनिकेट विद द मेल सर्वर द मेल रीडर यूज स्पेशल लैंग्वेज कॉल प्रोटोकॉल्स. 14 आपका, ए डैश इज अ लार्जर, तो ए डैश इज अ लार्जर नेटवर्क डैट यूजुअली स्पैन्स सेवरल बिल्डिंग इन द सेम सिटी और टाउन, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या. ऑप्शन नंबर ए मैन, तो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है? तो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इज ए लार्जर नेटवर्क डैट इज वली स्पैन सेवरल बिल्डिंग इन द सेम सिटी और टाउन. तो 15 आपका है, डैश इज द प्रीमियर, तो डैश इज द प्रीमियर डाटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एट लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड अदर R&D ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन टीचिंग एंड रिसर्च इन इंडिया, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए विद्वान, तो विद्वान इज अ प्रीमियर, तो विद्वान इज अ प्रीमियर डाटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर वर्किंग एट लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड अदर R&D ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन टीचिंग एंड रिसर्च इन इंडिया। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव प्रोवाइड्स ओवर 6000 प्लस जर्नल, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ईद सोद सिंधु, तो ईद सोद सिंधु प्रोवाइड्स ओवर 6000 प्लस जर्नल्स। ठीक है, तो एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय इंडिपेंडेंट सेंटर प्रोवाइड एक्सेस टू रिसोर्सेज टू सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस दैट आर कवर्ड अंडर 12B एंड 2F सेक्शन ऑफ द UGC एक्ट। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज फॉर्म्ड ईद सोद सिंधु, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज फॉर्म्ड ईद सोद सिंधु मर्जिंग थ्री इनिशिएटिव, तो पहला आपका UGC इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, दूसरा आपका NLI, तो NLIST तो नेशनल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट, और तीसरा आपका IndusInd, तो AICT तो कंसोर्टियम इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी IndusInd AICT कंसोर्टियम। ठीक है, तो ये आपका द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज फॉर्म ईद सोद सिंधु मर्जिंग थ्री इनिशिएटिव, तो तीन को मिलाकर ईद सोद सिंधु का निर्माण किया गया, तो UGC इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम NLIST नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट IndusInd AICT कंसोर्टियम टू इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी IndusInd AICT कंसोर्टियम। ठीक है, विच ऑफ दिस, तो विच ऑफ दिस इज ए कॉल्ड द रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस, तो विच ऑफ दिस इज कॉल्ड द रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी शोध गंगा को बोलते हैं। ठीक है, तो शोध गंगा इज द नेम कॉइन्ड टू डिनोट डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन सेटअप मेंटेन्ड बाय द इंफिब्रेट सेंटर फाउंडेड इन 1991। ठीक है, इंफिब्रेट सेंटर बिकेम एन इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इन जून 1996। द वर्ड शोध ओरिजिनेट्स फ्रॉम संस्कृत एंड स्टैंड फॉर रिसर्च एंड डिस्कवरी। ठीक है, तो शोध गंगा इज द नेम क्वाइन टू डिनोट डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन सेटअप मेंटेन्ड बाय द इन्फ्लुएंट सेंटर फाउंडेड इन 1991। इन्फ्लुएंट सेंटर, तो इन्फ्लुएंट सेंटर बिकेम एन इंडिपेंडेंस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इन जून 1996। द वर्ड शोध ऑरिजिनेट्स फ्रॉम संस्कृत एंड स्टैंड फॉर रिसर्च एंड डिस्कवरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका एक्सप्लेनेशन इसी में, तो गंगा इज द हॉलिस्ट लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द शोध गंगा हाइड्रेट इंफ्लिमिनेट इज सेटअप यूजिंग एन ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर कॉल्ड DSpace डेवलप्ड बाई MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप बिटवीन हैवलेट पैकर्ड HP। शोध गंगा प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च स्कॉलर टू डिपोजिट देयर PhD थीसिस एंड मेक इट अवेलेबल टू द इंटायर स्कॉलरली कम्युनिटी टू ओपन एक्सेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एक्सेस टू, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एक्सेस टू प्लैजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर PDS टू ऑल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया सिंस September 1, 2019। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शोध शुद्धि। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एक्सेस टू प्लैजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर PDS टू ऑल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया सिंस September 1, 2019। ऑप्शन बी आपका शोध शुद्धि हो जाएगा। ठीक है, अंडर दिस इनिशिएटिव उरकुंड, तो अंडर दिस इनिशिएटिव उरकुंड वेब बेस्ड प्लैजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर सिस्टम इज बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑल यूजर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड ओवर 700 प्लस ई बुक्स फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ई अध्ययन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड ओवर 700 प्लस ई बुक्स फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, तो ई अध्ययन आपका ऑल द ई बुक्स, तो ऑल द ई बुक्स आर डिराइव फ्रॉम द ई पी जी पाठशाला कोर्सेज, इट ऑल्सो फैसिलिटेट
प्लेस लिस्ट ऑफ वीडियो कंटेंट, फिर आपका फाइव है ई पी जी पाठशाला, तो ई पी जी पाठशाला इज एन इनिशिएटिव तो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आई सी टी एन एम ई आई सी टी बींग एजुक्यूटेड बाई द, तो ई पी जी पाठशाला इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर इट्स नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आई सी टी एन एम ई आई सी टी बींग एजुक्यूटेड बाई द, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से यू जी सी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। नंबर सिक्स है इंटरेक्टिव ई कंटेंट इन ओवर 700, तो इंटरेक्टिव ई कंटेंट इन ओवर 70 सब्जेक्ट, ठीक है। एंड गेट थीम अप है गेटवे ऑफ गेटवे टू वर्ल्ड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट, तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है, तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विंट सर्फ, तो विंट सर्फ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट, तो वाइडली नोन एज फादर ऑफ द इंटरनेट। सर्फ इज द को डिजाइनर ऑफ द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट। इन दिसंबर 1997 प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन प्रेजेंटेड द यूएस नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी टू सर्फ एंड हिज कलीग रॉबर्ट ई खान फॉर फाउंडिंग एंड डेवलपिंग द इंटरनेट, ठीक है। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल और मेल, तो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल और मेल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रेड टॉमलिंसन, तो रेड टॉमलिंसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल और ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मेल बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। विच अग्रीमेंट वाज रिज्वाइंड, तो विच अग्रीमेंट वाज रिज्वाइंड बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन द फर्स्ट स्टेप टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग, तो विच अग्रीमेंट वाज रिज्वाइंड बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन द फर्स्ट स्टेप टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है। कुछ एट आपका विच अग्रीमेंट कब हो गया, ठीक है। ट्रंप विथड्रू फ्रॉम द अग्रीमेंट इन 2017 जनवरी 2021, नियरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज पार्ट ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट, ए लैंडमार्क नॉन बाइंडिंग अकॉर्ड अमंग नेशंस टू रिड्यूस देयर कार्बन इमिशन, द पेरिस अग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज, इट वॉज अडॉप्टेड बाई 196 पार्टीज एट COP21 इन पेरिस ऑन 12 दिसंबर 2015 एंड entered into force on 4th November 2016, ठीक है। विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाई विच एम्परर, तो आपका विक्रमशिला किस एम्परर के द्वारा फाउंड किया गया था आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी किंग धर्मपाला, तो विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाई विच एम्परर, तो किंग धर्मपाला, तो टेल आपका मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बताना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है ओनली वन, आपका सिर्फ पहला सही है। तो MERIT स्टैंड फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो MERIT स्टैंड फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, और बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, तो बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट ट्रेड, यहाँ पर गलत है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। और इसका राइट आंसर ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेट ट्रेड इसे ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th अक्टूबर, ठीक है। तो आपका 29th अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, इंटरनेशनल इंटरनेट डे, तो विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th अक्टूबर, तो आपका इंटरनेशनल इंटरनेट डे, इट वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 29th अक्टूबर 2005, ठीक है। तो पहली बार 29 अक्टूबर 2005 को बनाया गया था इंटरनेशनल इंटरनेट डे, ठीक है। कुछ आपका टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद तकसीला, ठीक है। तो आपका तकसीला से कौन एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका आपको कोड देखकर बताना कौन सा कोड सही होगा, तो इसका राइट कोड है ऑप्शन में भी 3 and 5, ठीक है। तो आपका जो है सिलभद्रा और आपका ज्वांगजान, ये आपका विक्रमशिला से सॉरी तकसीला से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद तकसीला, तो आपका सिलभद्रा और ज्वांगजान, बाकी चरखा कौटिल्य और आपका चंद्रगुप्त मौर्य और कुमाराभरता, ठीक है, कुमाराभरता, ये सब आपके तकसीला से रिलेटेड थे, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, वेयर डिड द कौटिल्य फेमस राइटर ऑफ अर्थशास्त्र गेट हिज हायर एजुकेशन, तो वेयर डिड द कौटिल्य फेमस राइटर
ऑफ अर्थशास्त्र गेट दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विक्रमशिला इज ऑल्सो नोन एज टू, तो विक्रमशिला इज ऑल्सो नोन एज टू मेनली थ्रू टिबेटन सोर्सेज इन व्यूज राइटिंग इट इज स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी तरन तारा ना था, ठीक है। तो विक्रमशिला इज ऑल्सो नोन एज टू अस मेनली थ्रू टिबेटन सोर्सेज इन हुज राइटिंग इज इट इज स्पेसिफिकली डिस्क्राइब, तो तारानाथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद विक्रमशिला, तो विक्रमशिला से कौन आपके एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी दीपांकरा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद विक्रमशिला, तो दीपांकरा हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 6 है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एजुकेशन इन बुद्धिस्ट एरा, तो बुद्धिस्ट एरा में आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, सभी आपका सही है। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एजुकेशन इन बुद्धिस्ट एरा द मोनेस्ट्रीज, तो द मोनेस्ट्रीज वे आर द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट, या बुद्धिस्ट पीरियड सही है। द बिसाइड द मोनेस्ट्रीज दे आर वेयर नो अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन, ये भी सही है। ऑनली द भिक्षुस कुड रिसीव रिलीजियस एंड अदर टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ये तीनों आपका सही है, ठीक है। तो आपका ये तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। कोई पास 7 है, द इंस्टीट्यूशन एट डैश वॉज रिप्यूटेड फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन लॉजिक एंड जुरिसप्रूडेंस, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विक्रमशिला, द इंस्टीट्यूशन एट विक्रमशिला वॉज रिप्यूटेड फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन लॉजिक एंड जुरिसप्रूडेंस, ठीक है। तो आपका 8 है, डैश प्रेसिडेंट ऑफ द, तो डैश प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैड एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन स्प्रेडिंग इंग्लिश लर्निंग एंड फीमेल एजुकेशन इन इंडिया, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या, तो ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैड एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन स्प्रेडिंग इंग्लिश लर्निंग एंड फीमेल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। पेपर 9 है, द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं, द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं आर इन हाउ मेनी क्वाड्रेंट, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी 4, द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं आर इन हाउ मेनी क्वाड्रेंट, आपका 4 क्वाड्रेंट में, ठीक है। द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं, द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट, पहला आपका वीडियो लेक्चर, दूसरा स्पेशली प्रिपेयर रीडिंग मटेरियल डैट कैन बी डाउनलोडेड प्रिंटेड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट टू टेस्ट एंड क्विजेस एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स, ठीक है। द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं आर 4 क्वाड्रेंट, द वीडियो लेक्चर स्पेशली प्रिपेयर रीडिंग मटेरियल डैट कैन बी डाउनलोडेड प्रिंटेड, ठीक है, एंड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विजेस एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स, ठीक है। द करेंट स्वयं, द करेंट स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड NPTEL डैश विद द हेल्प ऑफ गूगल इंक डॉट एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, द करेंट स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड NPTEL डैश विद द हेल्प ऑफ गूगल इंक एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ऑप्शन में IIT मद्रास, ठीक है। द करेंट स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड NPTEL IIT मद्रास विद द हेल्प ऑफ गूगल इंक एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन आपका 11, वेन वी आर द फर्स्ट टू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी 1968 एंड 1986, ठीक है। तो वेन वी आर द फर्स्ट टू एजुकेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस, तो 1968 एंड 86 में, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सॉरी पढ़ते इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज रिलीज्ड 1968, द फर्स्ट एनपी वाज प्रोमोगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1968, द सेकंड बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1986 एंड द थर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल रिप्लेस द 34 ईयर ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986, ठीक है। 1986 में क्या था, तो 1986 द गवर्नमेंट लेड बाय राजीव गांधी इंट्रोड्यूस ए न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड द न्यू पॉलिसी कॉल्ड फॉर स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड द इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर इंडियन वुमेन शेड्यूल ट्राइब्स एंड द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज, द पॉलिसी एक्सपेंडेड द ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम विद द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विच हैज
क्रिएटेड इन 1985, इन 1986, तो इन 1986 एजुकेशन पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, ठीक है। 1992 तो द 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज मॉडिफाइड इन 1992 बाय द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। तो 1992 द 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज मॉडिफाइड इन 1992 बाय द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, ठीक है। 2019 द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिलीज्ड ए ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 विच वाज फॉलोड बाय नंबर ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, ठीक है। ऑन 29 जुलाई 2020 द कैबिनेट अप्रूव्ड ए न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विद द नेम टू इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, तो दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी एंड रिप्लेस द 34th ईयर ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2086 एंड बिल्ट ऑन द फाउंडेशनल पिलर, बिल्ट ऑन द फाउंडेशनल पिलर ऑफ एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द थ्री लैंग्वेज फार्मूला, तो द थ्री लैंग्वेज फार्मूला इज ए लैंग्वेज लर्निंग पॉलिसी फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन, द थ्री लैंग्वेज फार्मूला इज ए लैंग्वेज लर्निंग पॉलिसी फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन डैश, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है ए 1968 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो द थ्री लैंग्वेज फार्मूला इज ए लैंग्वेज लर्निंग पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इन 1968 एंड द थ्री लैंग्वेज फार्मूला इज ए लैंग्वेज लर्निंग पॉलिसी फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन 1968 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मई 2016, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेट श्री टी एस आर सुब्रमण्यम, ठीक है। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू कमिटी एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मई 2016, तो लेट श्री टी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। टू है नेक्स्ट आपका द कमिटी फॉर रिवॉल्यूशन, तो द कमिटी फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आपका टी एस आर सुब्रमण्यम कमिटी सबमिटेड इट्स नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2016 ड्राफ्ट टू द यूनियन एच आर डी मिनिस्ट्री ऑन 28 मई 2016 में, ठीक है। द कमिटी फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका द टी एस आर सुब्रमण्यम कमिटी सबमिटेड इट्स नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2016 ड्राफ्ट टू द यूनियन एच आर डी मिनिस्ट्री ऑन 28 मई 2016 को, ठीक है। तो 10 रिकमेंडेशन ऑफ सुब्रमण्यम कमिटी, तो 10 रिकमेंडेशन ऑफ सुब्रमण्यम कमिटी ऑन नेशनल एजुकेशन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो 10 रिकमेंडेशन ऑफ सुब्रमण्यम कमिटी ऑन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या था, तो पहला था एन इंडियन एजुकेशन सर्विस IES शुड बी एस्टैब्लिश, तो एन इंडियन एजुकेशन सर्विस IES शुड बी एस्टैब्लिश। सेकेंड आपका था द आउटले ऑन एजुकेशन शुड बी रेज टू एटलीस्ट 6% ऑफ GDP विदाउट फर्दर लॉस ऑफ टाइम, ठीक है। द आउटले ऑन एजुकेशन शुड बी रेज टू एटलीस्ट 6% ऑफ GDP विदाउट फर्दर लॉस ऑफ टाइम। टॉप 200 फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो टॉप 200 फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड बी अलॉट टू ओपन कैंपसेस इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग ANEP 2020 जून 2017, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग ANEP 2020 जून 2017, आपको बताना। सॉरी कुछ आपका कट गया, ठीक है। सॉरी आपका क्वेश्चन नंबर टू यहां पर है डैश इज एन एपेक्स, तो डैश इज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च, ठीक है। तो डैश इज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग
रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन, ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ। तो एनआरएफ इज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन, ठीक है। क्वेश्चन आपका थ्री है, विच ऑटोनमस बॉडी वॉज, तो विच ऑटोनमस बॉडी वॉज क्रिएटेड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहांस लर्निंग असेसमेंट प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनईटीएफ, तो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। तो विच ऑटोनमस बॉडी वॉज क्रिएटेड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहांस लर्निंग असेसमेंट प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एनईटीएफ, ठीक है। क्वेश्चन फोर है, नेशनल असेसमेंट सेंटर, तो नेशनल असेसमेंट सेंटर डैश हैज बीन क्रिएटेड टू एक्सेस द स्टूडेंट, तो नेशनल असेसमेंट सेंटर डैश हैज बीन क्रिएटेड टू एक्सेस द स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परख। तो ठीक है, द परख, तो नेशनल असेसमेंट सेंटर परख हैज बीन क्रिएटेड टू एक्सेस द स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन का फाइव है, परख स्टैंड फॉर, तो परख स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ग्राफिंग एनईपी 2020-2017, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ग्राफिंग एनईपी 2020-2017, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है, डॉक्टर ए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। तो ए कमिटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जून 2017 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, विच सबमिटेड द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 टू द ऑनरेबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑन 31 मई 2019, ठीक है। विच ईयर ऑल, तो विच ईयर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एच ई आई विल बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन एज पर एन ई पी 2020 रिकमेंडेशन। तो विच ईयर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एच ई आई विल बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन एज पर एन ई पी 2020 रिकमेंडेशन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी, 2040, बाई 2040 में बन जाएगा, ठीक है। इन एंशंट इंडिया, तो इन एंशंट इंडिया डैश वॉज वेरी फेमस एज सेंटर ऑफ ट्रेनिंग इन इंडियन मिलिट्री साइंस। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। इन एंशंट इंडिया तक्षशिला वॉज वेरी फेमस एज सेंटर ऑफ ट्रेनिंग इन इंडियन मिलिट्री साइंस, ठीक है। कुछ आपका एट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन स्टार्टेड बाई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन स्टार्टेड बाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कल्पना चावला सोलर अवार्ड, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन स्टार्टेड बाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो कल्पना चावला सोलर अवार्ड, ठीक है। तो कल्पना चावला हरियाणा सोलर अवार्ड, हरियाणा, द स्टेट ऑफ हरियाणा सैंक्शन ए फंड ऑफ INR 10 करोड़ फॉर इंस्टीट्यूटिंग द सोलर अवार्ड, ठीक है। द सोलर अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड फॉर द साइंटिस्ट फॉर फ्रॉम ISA मेंबर कंट्रीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ, तो विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसिनरेशन। तो विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मेडिकल वेस्ट, इंसिनरेशन, ठीक है। द मोस्ट रिलायबल एंड कॉमनली यूज्ड ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर हेल्थ केयर वेस्ट पाइरोलाइटिक इंसिनरेशन, ऑल्सो फॉर कंट्रोल्ड एयर इंसिनरेशन और डबल चैम्बर इंसिनरेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। तो आपको बताना है इसका, इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेली नेशनल पार्क, ठीक है। तो इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क फर्स्ट इस्टेब्लिश, तो इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क फर्स्ट इस्टेब्लिश इन 1936 एज हेली नेशनल पार्क, नॉन ओनर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है ये, ठीक है। वेन वॉज द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड, इट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। तो आपका बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1972
9 सितंबर 1972, ठीक है। तो व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनएक्टेड? इट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। तो आपका 1972 में हुआ था ये, ठीक है, 9 सितंबर 1972 में, ठीक है। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाई द गवर्नमेंट इन, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1981, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाई द गवर्नमेंट इन 1981, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सॉरी, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, इट वॉज अमेंडेड इन 1987, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 5 टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द डैश ऑन एनवायरमेंट ऑन दिस डे इन 1972। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 5 टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द डैश स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट ऑन दिस डे इन 1972, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे WED वॉज इस्टेब्लिश बाय द यूनियन जनरल असेंबली 1972 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट। टू ईयर्स लेटर इन 1974 द फर्स्ट WED वॉज हेल्ड विद द थीम ओनली वन अर्थ, ठीक है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021 इज इको सिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ विच वर्ड अंडर द सेक्शन 23। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में सी यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ विच वर्ड अंडर सेक्शन 23, तो आपका यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ द यूज ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी इन सर्टेन केसेस, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 अंडर सेक्शन 22(1) प्रोवाइड्स दैट ए डिग्री कैन बी अवार्डेड ओनली बाई यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल एक्ट, ए प्रोविंशियल एक्ट और ए स्टेट एक्ट और एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 और एन इंस्टीट्यूशन स्पेशली एम्पावर्ड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू कॉन्फर और ग्रांट डिग्रीज, इट शैल बी पनिशेबल विथ फाइन, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एक कार्बन क्रेडिट इज अ परमिट ऑफ और सर्टिफिकेट अलाउइंग द होल्डर सच एज ए कंपनी टू इमिट कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल MOP1 वॉज हेल्ड, आपको बताना इसका राइट ऑप्शन में सी मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल MOP1 वॉज हेल्ड, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल MOP1 वॉज हेल्ड इन मॉन्ट्रियल फ्रॉम 28 नवंबर टू 9 दिसंबर 2005 अलॉन्ग विद द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UNFCCC COP11, इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एवर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन डिड द क्योटो प्रोटोकॉल, तो व्हेन डिड द क्योटो प्रोटोकॉल फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड स्टार्टेड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2008 में इसका स्टार्ट हुआ था। एंड द क्योटो प्रोटोकॉल फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड स्टार्टेड इन 2008 एंड एंडेड इन 2012, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्योटो प्रोटोकॉल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजोनिक CHG ग्रीन हाउस गैसेज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अकॉर्डिंग टू द क्योटो प्रोटोकॉल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक CHG, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। आपके पास 6 इन 2016 विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एफर्ट ट्रीटी वॉज साइंड ऑन द डे ऑफ द अर्थ डे, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेरिस एग्रीमेंट इन 2016 विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एफर्ट ट्रीटी वॉज साइंड ऑन द डे ऑफ द अर्थ डे, तो ऑप्शन नंबर डी पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। आपका पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था 22 अप्रैल 2016 को और इसका इफेक्टिव हुआ था स्टार्ट 4 नवंबर 2016 को। अर्थ डे कंटिन्यूज, तो अर्थ डे कंटिन्यूज टू होल्ड मेजर इंटरनेशनल सिग्निफिकेंसेस। इन 2016 द यूनाइटेड नेशन चूज अर्थ डे एज द डे
when the historic Paris Agreement on climate change was signed into force. Earth Day is April 22 of the year every year. ठीक है, तो Earth Day is celebrated April 22 of every year, and April 22, 2020 will mark 50th year of Earth Day. The theme of the Earth Day 2020 is climate action. ठीक है, the first Earth Day was held on April 22, 1970. ठीक है, द अर्थ डे 2021 का थीम क्या था? रिस्टोर आवर अर्थ था. ठीक है, तो अर्थ डे 2021 का थीम था रिस्टोर आवर अर्थ. ठीक है, व्हाट ईयर डिड द चेर्नोबिल डिजास्टर अकर? तो व्हाट ईयर डिड द चेर्नोबिल डिजास्टर अकर, आपको बताना है चेर्नोबिल डिजास्टर कब अकर किया था. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1986. ठीक है, ऑप्शन सी 1986. द चेर्नोबिल डिजास्टर वाज ए न्यूक्लियर डिजास्टर एक्सीडेंट, एंड वेयर डिड द चेर्नोबिल डिजास्टर हैपन? तो प्रीपायात सिटी इन नॉर्दर्न यूक्रेन, एट द नंबर 4 रिएक्टर इन द चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट. द चेर्नोबिल डिजास्टर इज कंसिडर्ड द मोस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट इन हिस्ट्री बोथ इन टर्म्स ऑफ डेथ एंड कैजुअलिटीज. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल देयर आर टू मोस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर इन हिस्ट्री. सेकेंड आपका था 2011 में फुकुशिमा दाची न्यूक्लियर डिजास्टर इन जापान में हुआ था. ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मेगावाट कैपेसिटी? तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मेगावाट कैपेसिटी ऑफ जियो थर्मल एनर्जी इन इंडिया? आपको बताना इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी 10,000 मेगावाट. ठीक है, कुछ आपका 10 है. ओ टी टी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओ टी टी का फुल फॉर्म होता है आपका ओवर द टॉप. ठीक है, तो ओ टी टी का फुल फॉर्म ओवर द टॉप होता है. ठीक है, एंड ओवर द टॉप ओ टी टी मीडिया सर्विस इज ए स्ट्रीमिंग मीडिया सर्विस ऑफर्ड डायरेक्टली टू द व्यूअर्स बाय द इंटरनेट. कुछ 11 है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA. तो NTA वाज एस्टैब्लिश इन, तो आपका NTA कब एस्टैब्लिश हुआ था? ऑप्शन मिल सी 2017 में एस्टैब्लिश हुआ था. ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इज इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी डेट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एस्टैब्लिश इन नवंबर 2017 टू कंडक्ट इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. द गवर्नमेंट अपॉइंटेड विनीत जोशी एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी. विनीत जोशी इज करंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एलिजिबल कॉलेजेस विच आर इंक्लूडेड अंडर सेक्शन. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2F. ठीक है, आपका सेक्शन 2F आपका सही होगा. द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एलिजिबल कॉलेजेस विच आर इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 2F. ठीक है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एलिजिबल कॉलेजेस प्रोवाइड फाइनेंस विच आर इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 2F एंड डिक्लेयर्ड फिट टू रिसीव सेंट्रल असिस्टेंट UGC ग्रांट अंडर सेक्शन 12B ऑफ UGC एक्ट. ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज बस इतना ही. तो कल हम आपका कल आपका यहाँ से पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है.